जी हाँ, स्वागत है आपका। तो खिलाड़ियों की संख्या, विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, जी हाँ, सभी खेल के खिलाड़ियों की संख्या इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 16 खिलाड़ी होते हैं, और प्ले 11 होते हैं, और एक्स्ट्रा 5 होते हैं। और इसके अलावा क्रिकेट की बात किया जाए तो इस कुल खिलाड़ियों की संख्या 16 होती है, इसमें 11 खेलते हैं और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। इसके अलावा फुटबॉल की बात किया जाए तो फुटबॉल में कुल 16 खिलाड़ी होते हैं, 11 खेलते हैं और 7 एक्स्ट्रा होते हैं। और वॉलीबॉल की बात किया जाए तो कुल 12 खिलाड़ी होते हैं और 6 खेलते हैं और 6 एक्स्ट्रा होते हैं। इसके अलावा कबड्डी की बात की जाए तो कबड्डी में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 खेलते हैं और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। इसके अलावा खो-खो की बात की जाए तो खो-खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 खेलते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। इसके अलावा वाटर पोलो की बात की जाए तो कुल 13 खिलाड़ी होते हैं, 7 खेलते हैं और 6 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। अब बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। जी हाँ, बात करें बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 खेलते हैं और 7 एक्स्ट्रा होते हैं। इसके अलावा रग्बी की बात करें तो रग्बी में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं, और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, और शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग में 1 खिलाड़ी होता है। इसके अलावा स्नूकर की बात की जाए तो स्नूकर में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और हैंडबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा लॉन टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा गोल्फ में बात की जाए तो गोल्फ में कई खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कैरम की बात करें तो कैरम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 या 2 होते हैं। इसके अलावा लूडो में 2 या 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा स्क्वैश में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या 8 हो सकती है। इसके अलावा सेपक टकराव में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 3 होते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।